नमस्ते, वेलकम टू डॉक्टर खन्नास पैथ केयर। आज हम बात करेंगे सीआरपी टेस्ट की। सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है बॉडी में जो लिवर बनाता है। लेकिन लिवर बनाता कब है? लिवर तब बनाता है जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, मतलब कोई आपको बीमारी हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गला ख़राब, जुकाम, खांसी, या कोई वायरल इन्फेक्शन, या फिर बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो। इन्फ्लेमेशन का बेसिक मतलब है सोजन। सो बॉडी की कोई भी, बॉडी के कोई भी हिस्से में अगर सोजन है तब, या फिर कोई इन्फेक्शन है तब, ये सीआरपी टेस्ट कराया जाता है और ये बढ़ा हुआ आता है। किन कंडीशंस में सीआरपी इंक्रीज्ड मिलता है? हमने बोला इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इन्फेक्शन जो है वो अक्यूट हो सकते हैं, आपको अभी ही बीमारी हुई है, थोड़ा टाइम हुआ है बीमारी में, या क्रॉनिक हो सकते हैं, जैसे कि बहुत टाइम से आपको वो बीमारी है, जैसे टीबी हो गई। दूसरा आया इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस बॉडी में। तीसरा होता है ऑटो इम्यून डिजीज़, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आईबीएस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। सो ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब है कि आपके अपने सेल्स के अगेंस्ट ही आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है, मतलब आपने ही खुद के शरीर को खुद ही बॉडी खा रही है, उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट के सेल्स में खाती है, तो फिर वो जॉइंट की स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग मतलब सोजन होता है, सोजन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब वो सीआरपी बढ़ाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होगा, कहीं भी इन्फ्लेमेशन होगा, तो सीआरपी बढ़ा हुआ आएगा। इसका मतलब बढ़ा हुआ सीआरपी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप का टेस्ट है। ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। इसके बाद डॉक्टर्स को क्लिनिकल हिस्ट्री के साथ या कोई और टेस्ट जोड़ के फिर समझना पड़ता है कि ये क्यों बढ़ा हुआ है। अब कौन सी कंडीशंस हैं या कौन क्या कर सकते हैं अगर हमारा ये बढ़ा हुआ है तो? सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करना है तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिंस देगा, जिससे वो पहले तो वो टारगेट करेगा टेस्ट करके कि आपको है क्या, ये इन्फेक्शन के कारण बढ़ा है, इन्फ्लेमेशन के कारण बढ़ा है, या क्यों बढ़ा हुआ है। फिर उसके हिसाब से उस डिज़ीज़ की वो दवाइयाँ देगा, उससे वो जैसे ही कम होंगे इधर सीआरपी कम हो जाएगा। बट कुछ खाने ऐसे हैं जिसको खा के आप शायद वो सीआरपी कम कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। सो द फूड्स विच हेल्प अस कंट्रोल सीआरपी वुड बी ग्रीन टी, टर्मरिक, हल्दी, और होल ग्रेन्स जैसे ब्राउन राइस। आप मैदा वगैरह कम खाएं, प्रोसेस्ड फूड कम खाएं, मीट्स जो प्रोसेस्ड हैं वो कम खाएं, फ्रोज़न फूड कम खाएं, जो ये आजकल पैकेट्स में बने हुए फूड्स होते हैं, रेडी टू ईट फूड्स होते हैं, वो उनसे सीआरपी इंक्रीज होता है। कोई और अगर आपको जानकारी चाहिए हो सीआरपी टेस्ट के बारे में, सो आप डेफिनेटली कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।